आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, तीन पार्ट दिए गए हैं इस क्वेश्चन के। एफ एक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को ही इन्वेस्टिगेट करना है 5 से 9 में, उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपका -2 से 2 में है, ठीक है। दोनों ही ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हैं और हमें ये एग्जामिन करना है कि रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है या नहीं है। और थर्ड पार्ट में आपका सेपरेट फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है x²-1, इन तीनों ही फंक्शन को अलग अलग इंटरवल में इन्वेस्टिगेट करना है। तो रोल्स थ्योरम के लिए आपको क्या पता होता था कि तीन सेपरेट कंडीशंस होती थी। पहली कंडीशन होती थी कि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड होती थी जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। और थर्ड कंडीशन होनी चाहिए थी कि एफ ए और एफ बी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन मीट करती हैं तब आप कहते हो कि एक कोई नंबर सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी ज़ीरो होगा बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ओपन इंटरवल ए एंड बी, तो इसके लिए हम लोग अगर एग्जामिन करते हैं पहले फंक्शन को से इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को जब एग्जामिन करते हो तो आप पहला इंटरवल आपका 5 से 9 दिया गया है, ठीक है। तो 5 से 9 में आप देख सकते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है हर इंटीजर पे जंप कर जाता है, दैट इज़ द स्टेप फंक्शन, ठीक है। हर इंटीजर पे ये ब्रेक कर जाएगा, मतलब आप अगर आप ये कह लो कि अगर हम पेंसिल से इसे ग्राफ को हम खींचने की कोशिश करते हैं 5 to 9, तो कई बार आपको पेंसिल उठानी पड़ेगी। इसका मतलब कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है ग्राफ में आप देख सकते हैं, 6 पे है x=6 पे, x=7 पे, x=8 पे, ये तीन पॉइंट ऑफ आपके पास डिसकंटिन्यूटी है। और साथ में क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हो तो आप 5 पे भी देखना पड़ेगा, 5 पे भी ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है। तो विद इन 5 to 9 ये 4 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो हमें अगर 5 to 9 पे कहना है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, एक कंडीशन इसकी क्या हो गई फेल हो गई, और एटलीस्ट एक भी कंडीशन फेल होती है तो आप रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं कि इंटीग्रल पार्ट एक्स को -2 से 2 के बीच में जब इन्वेस्टिगेट करेंगे फिर आपके पास प्रॉब्लम आएगी। -2 से 2 में आपके पास इंटीजर -1 होगा, वहाँ पे ग्राफ ब्रेक कर रहा है और 1 पे ब्रेक कर रहा है और 0 पे ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो इन तीनों ही पॉइंट्स पे फिर से फंक्शन क्या है, या -2 पे भी आप कह लीजिए, इन चारों पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब कि फिर से ये अप्लीकेबल आपकी रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तीसरे पार्ट में फंक्शन एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों होता है फॉर ऑल एक्स। तो कोई भी आपका रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल है तो वहाँ पे भी आपका क्लोज इंटरवल 1 to 2 क्या होगा आपका कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और हर पॉइंट पे विद इन इंटरवल 1 to 2 हर पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ पे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि थर्ड वाले में पहली दो कंडीशन, ठीक है, जो एफ एक्स इक्वल टू x²-1 है, इसमें हम कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, पास कर गया पहला कंडीशन, दूसरा डिफ्रेंशिएबल है क्योंकि पॉलिनोमियल है। लेकिन थर्ड कंडीशन में आप देखेंगे कि जब एफ ऑफ 1 निकालेंगे हम, ठीक है, तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा आपका फंक्शन, अगर हम एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स हमारा x²-1 है, ठीक है। तो एफ ऑफ 1, एफ ए का मतलब हो गया एफ ऑफ 1 की बात करेंगे, ठीक है। तो 1 का² -1 दैट इज 0, और फिर एफ बी, बी क्या दिया गया था आपका इन्वेस्टिगेट करना था आपको 2 पे, ठीक है। तो एफ ऑफ टू का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप एक्स की प्लेस पे 2 रखिए तो 2 का² -2 मतलब ये 4 - 1 कितना आ गया 3 आ गया। तो क्लियरली थर्ड कंडीशन रोल्स की मीट नहीं कर रही है, एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी, देयरफोर, ठीक है, रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी वेरीफाइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास, ठीक है, हम कह सकते हैं रोल्स थ्योरम हमारा वेरीफाई नहीं किया जा सकता, उसकी एक कंडीशन मीट नहीं कर रही है। तो इस क्वेश्चन के पहले पार्ट के लिए हमने क्या कहा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस, फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी की वजह से वो
वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, जबकि इसमें दो कंडीशन तो मीट कर गई लेकिन तीसरा फेल कर गया, मतलब यहाँ पे रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं किया जा सकता है।